अस्सलामुअलैकुम, पॉपुलर न्यूज के साथ मैं हूँ राबिया रफीक। आइए नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। मोटरवे एंड नेशनल हाईवेज पर ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जियों पर जुर्माने में भारी इजाफा कर दिया गया। ओवर स्पीड पर मोटरसाइकिल सवार को 1500 रुपए जबकि कार सवार को 2500 रुपए जुर्माना अदा करना होगा। इससे पहले सबके लिए ये जुर्माना 750 रुपए था। इसके अलावा कमर्शियल गाड़ियों को ओवर स्पीड पर 10000 रुपए जुर्माना होगा। ओवरलोडिंग पर 10000 रुपए जुर्माना अदा करना पड़ेगा। गलत ओवरटेकिंग पर कमर्शियल गाड़ियों को 3000 रुपए जुर्माना किया जाएगा जबकि बेहंगम ड्राइविंग पर कार और मोटरसाइकिल को 5000 रुपए, कमर्शियल गाड़ियों को 10000 रुपए जुर्माना अदा करना होगा। फरोख नसीम ने आर्मी चीफ की मुद्दत मुलाजमत में तोसी के केस में पैरवी के लिए 26 नवंबर को अपने ओहदे से इस्तीफा दिया था। केस का फैसला होने के बाद हुकूमत ने सेनेटर फरोग नसीम को दोबारा वजीर कानून बनाने का फैसला कर लिया। फरोग नसीम ने वजीर कानून की हैसियत से एक बार फिर हल्फ उठाया, जहां ऐवान सदर में सदर मुमलिकत आरिफ अलवी ने इनसे हल्फ लिया, जिसके बाद फरोग नसीम फिर से काबीना का हिस्सा बन गए। ओस्ता मोहम्मद सर्कल DSP मोहम्मद अकरम, CIA इंचार्ज मंजूर अहमद जमाली, सिटी पुलिस थाना में प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए कहा, DIG नसीराबाद और DSP जाफराबाद की खसूसी हदायत की रोशनी में एक माह कबल ओस्ता मोहम्मद में सब्जी एंड फ्रूट एजेंट से डाकू असले के जोर पर 8 लाख रुपए छीनकर फरार हो गए थे। सिटी और CIA पुलिस ने आज मुश्तरका कार्रवाई करके डकैती में मुलावस मेन मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया। मुलजिम की निशानदही पर पुलिस ने वाकये में मुलावस दीगर मुलजिम मान की गिरफ्तारी के लिए भी छापे मारना शुरू कर दिए। दीपालपुर में मरकजी जनरल सेक्रेटरी किसान बोर्ड चौधरी शौकत अली का कहना है कि हुकूमत की नाकस पॉलिसियों की वजह से मुल्क तबाही के दहाने पर पहुंच चुका है। मुल्क में फौरी ज़राई इमरजेंसी नाफिज की जाए, बसूरत दीगर किसान बोर्ड पाकिस्तान मुल्क भर में एहतजाज की काल देगा और लाखों किसान अहम शाहराहों को अपना मस्कन बनाएंगे। दीपालपुर के नवाही इलाका में मरकजी जनरल सेक्रेटरी की किसानों से गुफ्तगू। पसरूर नवाही कस्बा चविंडा के देहाती मरकज सेहत में रिजवान नामी नौजवान की दरख्त से लटकी हुई लाश बरामद हुई। रिजवान दही मरकजी सेहत चविंडा में ही काम करता था। न्यूज रूम से फिल वक्त इतना ही। मजीद जानने के लिए देखते रहिए पॉपुलर न्यूज।